कृषि भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में स्कूल शिक्षा, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास और सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पुलिस कर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका ध्यान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के अतिरिक्त उन हजारों कर्मचारी और अधिकारियों के योगदान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो दिन रात लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा स्वागत योग्य कदम है। कोरोना महामारी में जान की परवाह किए बगैर दिन रात सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के उत्साह और सम्मान के लिए भारतीय सेना द्वारा आज हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर कोरोना वॉरियर्स को दी गई सलामी। साथ ही वायुसेना द्वारा अस्पताल के ऊपर की गई फूलों की बारिश और इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों के सुचारू अध्ययन के लिए शुरू की गई ऑनलाइन ई लर्निंग व्यवस्था पढ़ई तुम्हार द्वार आज लाखों बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस वेबसाइट का निर्माण बिना किसी बाहरी सोर्स और पैसा खर्च किए स्कूल विभाग ने स्वयं तैयार किया है। वेब पोर्टल के शुरू होने से अब तक इसमें 21,26,791 छात्र छात्राएं और 1,88,900 शिक्षक शिक्षिकाएं पंजीकृत होकर ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। राज्य में पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम 4 मई से होगा शुरू। रेड जोन और हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय खुलेंगे। साथ ही रायपुर 1, 2, 3 और 4, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन का कार्य रहेगा स्थगित। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की 3 ग्राम पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कबीरधाम कान्हाथहरा, रायपुर के बंचरौदा और कांकेर के लिए भिलाई का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस अनुक्रम में रायपुर में फंसे झारखंड के श्रमिकों, यात्रियों और नागरिकों की वापसी हेतु बसों और वाहनों के रायपुर पहुंचने का क्रम आज से शुरू हो रहा है। झारखंड के 6 जिलों गोड्डा, सरायकेला, बोकारो, खूंटी, जमशेदपुर और गिरिडीह से 15 बसों के रायपुर पहुंचने की संभावना है। इन बसों में झारखंड के इन जिलों के रायपुर में फंसे श्रमिकों और नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की सहायता के लिए 7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर सातों दिन मजदूर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर भी सूचना दर्ज कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अन्य प्रदेशों या स्थान से आने वाले लोग हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपनी जानकारी अवश्य दें और 14 दिन के क्वारंटाइन में अवश्य जाएं और संक्रमण से बचाव के सभी उपायों को अपनाएं। घने जंगलों के बीच फंसे सुकमा जिले के गांव गोलापल्ली में 184 घर बिजली की रोशनी से जगमगाए, ग्रामीणों को मिली अंधेरे से आजादी। नक्सली विरोध के बावजूद ग्रामीणों में बिजली के लिए दिखा जबरदस्त उत्साह। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा की विशेष रुचि से दुर्गम वन क्षेत्र में पहुंची बिजली। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 3 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 57 केस पाए गए हैं, जिनमें से 36 ठीक हो चुके हैं और 21 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।